नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमारा सफर, एक अगला सफर शुरू हो रहा है और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ पर हैं और कहाँ जा रहे हैं। ये देखिए, ओमिक्रॉन 1A नोएडा में है, हम लोग ग्रेटर नोएडा में हैं और यहाँ से हम निकल रहे हैं बरेली। साथियों, ग्रेटर नोएडा से बरेली का डिस्टेंस लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये देखिए, पहला टोल टैक्स आ गया हमारा। यहाँ से अब हम अपना टोल जमा करते हुए आगे बढ़ेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम उम्मीद करते हैं 5-6 घंटे में पहुँचेंगे। ये देखिए, रास्ते में ये ढाबा मिला हमें और आगे बढ़ कर के रोड के किनारे यहाँ के जो लोकल सामान होता है ना, यहाँ के लोकल वर्कर जो काम करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बांस का बहुत सुंदर सामान होता है यहाँ पे। जैसे टोकरी वगैरह हो गई, बैठने के लिए चेयर हो गई, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो हम वो सब देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये देखिए साथियों, अप्रैल का महीना है और उत्तर भारत में बहुत गर्मी पड़ रही है। और हम लोग 2 दिन पहले कश्मीर में ही थे, जहाँ की वीडियोज़ आपने देखी होंगी, बारिश हो रही थी वहाँ पर। और यहाँ गर्मी के कारण जो है, विंडो नहीं खोल सकते, मैं यानी शीशा नीचे नहीं कर सकते। गर्म हवा का ऐसा भपका आ रहा है अंदर। तो मैं ये जो वीडियो है ये कार के अंदर बैठ के ही बना रही हूँ, बाहर के व्यूज़ भी आपको यहीं से दिखा रही हूँ। तो कोशिश करूँगी कि आपको अच्छा ही दिखाऊँ, जहाँ पर कुछ नया लग रहा है मुझे। लेकिन गर्मी के कारण जो है, दरवाज़ा नहीं खोल जा रहा और ना ही बाहर निकला जा रहा है। तो अभी हम लोग बरेली के लिए निकले हुए हैं। कितना रह गया बरेली अभी? 164 किलोमीटर रह गया। कितने घंटे में पहुंच जाएंगे? 2 घंटा 50 मिनट ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन कहीं पे हम लोग थोड़ा ठंडा पियेंगे तो वो समय भी इसी में इंक्लूड किया जाएगा। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। आप भी हमारे साथ चलिए, आप एक बार फिर से बरेली की सैर करिए। टाइम नींबू खीरा बेच रहे हैं। टोल प्लाजा में खड़े हैं अभी हम लोग और यहाँ पर लोग नींबू और खीरा बेच रहे हैं। नहीं, मैं इतनी गर्मी उतर, साफ ही पतीला, ये हटा देना भैया जो उसमें है। दो ग्लास, हाँ हाँ, थोड़ी थोड़ी। ये बरेली के रास्ते में हम हाईवे में रुक करके गन्ने का जूस पियेंगे। गर्मी बहुत हो रही है और इधर आसपास पूरा गन्ने की खेती होती है। तो रोड के किनारे किनारे कई दुकानें हैं, तो एक उतर करके हम गन्ने का जूस पियेंगे। मज़ा आ गया गन्ने का जूस पी के। धीरे धीरे शाम होती जा रही है तो मौसम भी थोड़ा सही हो रहा है, गर्मी थोड़ा सा कम हो गई है और हम भी अपना सफ़र आगे बढ़ा रहे हैं। ये देखिए चित्रगुप्त मंदिर, अब हमने बरेली में एंटर कर लिया है और चारों तरफ हरियाली हरियाली दिख रही है। अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी खूबसूरत सफ़र रहा हमारा। अब आगे देखिए, आपको मिलेगा बरेली का झुमका, जिसे मैंने पहले भी आपको दिखाया हुआ अपने वीडियोस में। एक बार फिर से आप दर्शन करिए बरेली के झुमके की, जिसके लिए बरेली फेमस है। अब पता नहीं बरेली झुमके के लिए फेमस है या झुमका बरेली के लिए फेमस है, मगर अच्छा लगता है। ये झुमका चौराहा कहलाता है। पहले नहीं था, अभी पिछले 3-4 सालों में बना है ये झुमका। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पर, क्योंकि हमारा पहले भी आना जाना लगा रहता था, तो ये कुछ ऐसा था नहीं यहाँ पर। अब बना ये, अभी ये रास्ता जो है बंद कर रखा है इन्होंने, हमें थोड़ा सा आगे से घूम के जाना होगा। साथियों, हम लोग बरेली पहुंच गए हैं और इस समय बरेली में बहुत गर्मी है। तो ये देखिए, ये सामने एक ये शॉप है, अब हम इसमें जा रहे हैं। यहाँ कुछ कोल्ड ड्रिंक ठंडा देखते हैं क्या है। हम लोग हर बार यहाँ आते हैं, कुछ ना कुछ ठंडा कोल्ड ड्रिंक ऐसे स्नैक्स वगैरह ले करके, मिठाई ले के फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कैसे हैं भैया जी, आप अपना नाम बताएंगे? सक्सेना। अच्छा, कब से है आपका शॉप? बड़ा अच्छा शॉप है आपका ये। 8 साल। 8 साल हो गए। ये देखिए, ये मिठाई, यहाँ पर जो है आइसक्रीम वगैरह, वो सॉरी चॉकलेट वगैरह रखी हुई है। और ये है कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और ये मैं।
ये देखिए ये भैया लोग हैं, आप लोग अपना अपना नाम बताएं। प्रिंस। आप? सागर। सागर। ये लोग की सर्विसिंग बहुत अच्छी है, ये देखिए। और कब से भैया आप लोग यहाँ? और बरेली के ही आप लोग? अच्छा, ये देखिए ये ढोकला लिया है मैंने। ठीक है भैया, फिर मिलेंगे अगली बार। थैंक यू। तो भैया आप लोग क्या बोलोगे मेरे चैनल के लिए? सब्सक्राइब करना, ओके थैंक यू। और आप सबने कर लिया ना? जी जी बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, बाय। साथियों कोल्ड ड्रिंक और क्या बोलते हैं उसको, ढोकला खाके अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं। तो आप ही चलिए हमारे साथ, देखिए अब हम लोग कहाँ रुकते हैं। ये है बदायूं रोड। अच्छा, इस गली से हमें अंदर जाना है। पहले यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था, पुलिया। ओ मां पुलिया पेड़। ये राजू टेलर। साथियों हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।